हाय हेलो गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आई एम लाइव नाउ. यस हाय गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग. दिस इज वीडियो जॉकी एंकर एमसी उषा शर्मा लाइव फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन. इंटरप्शन, या कैमरा इज सेट. हेलो, so guys we are here for the lockdown special and today we have another celebrity who has just joined us. so aaj ke jo celebrity hai she is very very special kyunki aaj wo india mein hi nahi balki world famous hai. ji ha, unka naam kaun hai zyada, she is world famous tarot reader monika agarwal. so yes I'm going to take her live now, she's waiting for us. टिल देन अ वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू आउट देयर. सबके हाय शुरू हो गए यहाँ पे. हाय गुड इवनिंग, हाउ यू ऑल डूइंग? हाय हाय फ्रेंड्स, सेम हियर. थैंक यू सो मच. सो गाइज, सबसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. जब वो ज्वाइन करेंगे उससे पहले लेट मी गिव यू ऑल एन इंट्रोडक्शन अबाउट मोनिका अग्रवाल जी. वैसे ही वो तो वर्ल्ड क्लास फेमस टैलेंट रीडर है ही, उसी के साथ साथ उनको 15 ईयर्स हो गया है इस इंडस्ट्री में आकर. एंड शी इज़ अ सेलिब्रिटी टैरट रीडर, इंटरनेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट एंड स्पिरिचुअल टीचर. शी हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर हर एक्सेलेंस बाय स्पीकिंग ट्री फ्रॉम जैकी श्रॉफ फॉर बेस्ट साइकिक रीडिंग्स, वोकल एक्सपर्ट अवार्ड्स फॉर वोकल एक्सपर्ट सर्मीज. एंड शी वॉज सीन इन सो मेनी टेलीविजन शोज सच एज हरियाणा के जितने भी शोज होते हैं टीवी चैनल्स वहाँ पे. एंड शी हैज़ बीन सीन ऑन दूरदर्शन डीडी एंड ऑल्सो हैव सीन हर ऑन मेनी अदर चैनल्स वेयर शी वॉज पार्टिसिपेटिंग एंड गिविंग अ लॉट ऑफ लेक्चरर्स. Likewise, ladies and gentlemen, her clients, let me all tell you all about the clientage what she has. Within just a span of 15 years of her experiences, she has grabbed a lot of clientage such as into politicians and actors and celebrities of course. Unki kafi sare clients hai jo all over world mein hai aur kuch do naam main lena chahungi unme se. One is Mrs. Sandhya Boyak from Mauritius and in fact Sandhya ji ne unse courses bhi seekhe hain kafi sare. एंड उसी के साथ डॉक्टर रेफ वाइने, द यंगेस्ट बिलियनियर ऑफ साउथ अफ्रीका, इज ऑल्सो हर क्लाइंट फॉर टैरट एंड यू नो दे यूजुअली डू द कॉफी सेशंस एंड एवरीथिंग एज वेल. सो टुडे यस वी गॉट एन अमेजिंग चांस टू इंटरैक्ट विद अ सेलिब्रिटी टैरट रीडर हु इज गोइंग टू जॉइन अस राइट नाउ. सो लेट्स गो अहेड एंड जॉइन हर ओवर द लाइव वीडियो. She is accepting. Till then, hi to all of you out there. Hi. Hi. Monika Agarwal ji, namaste. I'm good. How are you doing? Namaste. How are you? I'm good. सारे लोग आपको hi बोल रहे हैं वहाँ पे नीचे. A lot of people are waving at Monika ji. Hi all who are joining us. Hi. कैसा चल रहा है? पहले इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले पूछना चाहूंगी, कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? लॉकडाउन अच्छा चल रहा है. खूब सारा काम है, ऐसा नहीं है, घर का काम है इनफैक्ट. एंड ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी चल रहे हैं, थोड़ा काम तो बढ़ गया है घर का भी और वैसे भी, लेकिन आई एम एंजॉयिंग इट बिकॉज यू नो वी हार्डली गेट टाइम टू स्पेंड विद द फैमिली एंड दिस इज द टाइम वी डिवोट मोर टू द फैमिली एंड वी गेट टाइम टू स्पेंड विद ईच अदर, हैव लंच टुगेदर, हैव डिनर टुगेदर. सो इन अ वे आई एम एंजॉयिंग इट. सो इट इज गोइंग वेरी गुड. अरे वाह, लवली. एंड मैम, यू नो like I have posted our flyers like 2 to 3 days back before. Like a lot of people, in fact my friends and my clients, a lot of people, they wanted to come and join us here right now and talk to you. You have such
fan base, I must say. Oh my God, it was really amazing to have you here today live digitally. Thank you so much. So Monica ji, I have heard that it's been 15 years for you ki aap is industry mein ho. So sabse pehle to main janna chahungi ki how was your overall experience, kaisa raha aapki ye journey, please hame bataye. Okay, so if I talk about the spiritual industry, this is an industry जहाँ पे आप काम को काम की तरह नहीं अपनी soul calling की तरह करते हो, तो definitely experience आपका amazing रहता है, peaceful रहता है. और सबसे important thing, जब हम लोगों को help करते हैं, when we help the people and when we see the satisfaction on their face and when they come up with the positive things, yeah, this has been, you know, changed in their life, they have been making a positive lifestyle modifications or positive changes in the life, uska wo jo reward hota hai na, that is out of the world, nothing can compare to that reward when you help people and when they are actually getting benefited out of it. So is industry ka experience is something you know, it can not be defined in the words, it can only be experienced. True that. And ma'am, I wanted to ask you why you have chosen this profession specially, because I have read your bio and you know you are very specialized in this 2-3 things of yours, and we wanted to know what brought you here, like in this industry. So it's a long story. In short, I'll tell you that I was an MBA from I am an MBA from Nassim Monji Management Institute, and I spent my 14 years into corporate HR as a general manager and head HR. So it was something like that, this field started, you know, attracting me more and more. Since childhood, I was very much attracted toward the meditations, the spirituality, and I had some psychic insights also. But over the time, I decided that no, I wanted to, you know, give it a try completely into this field. And since I was on a position and have that much of experience, that wo fear mere man mein tha nahi ki if I am going to change a field to mujhe koi problem hoga, because ye tha ki job to kabhi bhi mil jayega aapko, but ye tha ki ab something mujhe apne liye karna hai. And then I took a very strong decision at that point of time, sitting on a very high job, high profile job, ki nahi ab ye karna hai and I have to make a change in this industry and let the people know that there is a science behind the things, let the people know ki even agar साइकिक एबिलिटीज होती हैं, स्पिरिचुअल शक्तियां होती हैं, तो उसको कहां साइंस के साथ जोड़ना है, क्योंकि बहुत इंडस्ट्री में काफी लोगों ने अंधविश्वास भी फैला रखा है. सो वी नीड मोर एंड मोर एजुकेटेड पीपल इन दिस लाइन सो दैट दे कैन मेक अ डिफरेंस इनटू द इंडस्ट्री. सो दैट इज समथिंग व्हिच आई डिसाइडेड, और जब आ गए तो देयर वाज नो लुकिंग बैक. So ma'am, we wanted to know like whether you have studied about this, like for how long you have studied for this, if you can just share with us. I did all the courses properly from an authentic places, because ek bachcha bhi ho sakta hai ki usko ABCD pura aaye, lekin jab tak wo school jaake nourish nahi hota hai, tab tak wo us capability nahi aati hai ki wo jaakar us pe work kar sake. To koi bhi cheez, ek to hoti hai ki by birth aapko kuch gift mila hai, बाय बर्थ आपको कुछ एबिलिटीज मिली है, बट उसको पॉलिशिंग एंड नरिशिंग का बहुत जरूरत होती है. तो हर टेक्निक को आपको प्रॉपरली लर्न करना चाहिए. आपकी जो अपनी एबिलिटीज हैं, जो आपकी अपनी साइकिक एबिलिटीज या आपकी अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटीज या कोई भी एबिलिटीज हैं, वो आपको हेल्प करेंगे लोगों से डिफरेंट करने में. एक्सीलेंस आपका कितना आ रहा है, एक्यूरेसी कितना आ रहा है, लेकिन नरिशमेंट और एक प्रॉपर ट्रेनिंग फ्रॉम अ प्रॉपर प्लेसेस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. True. So ma'am, as you can see down in the comments, a lot of people are saying you hi, and they are saying that they really love your talent. Yes. Hi everyone. So ma'am, there's a comment like they want your volume to be a bit high so that they can listen to you properly and you will be more audible to all. So there are the people who are, you know, they love tarot. Okay, great. हाय मोनिका मैम, कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आई होप आप भी अच्छी होंगी. इतना मेकअप नहीं करा है, बिल्कुल भी नहीं करा है, जीरो मेकअप है ये हमारा. मैम बहुत नेचुरल लग रहे हैं वैसे.
एयर पॉल्यूशन हमारा पॉल्यूशन नहीं है, बिलीव मी, कोई फिल्टर नहीं है, कोई मेकअप नहीं है हम लोगों का, ये सिर्फ पॉल्यूशन क्लीन हो रहा है ना, ये उसका इफेक्ट है एंड दिस इज द कॉम्प्लीमेंट. Absolutely. And ma'am, one more thing I want to ask you. You look so beautiful by natural, as you know, I have seen you as well, and you look so natural all the time. सबसे पहले तो ये बताओ कि खूबसूरती का राज क्या है सबको. See, आप जितना natural रहोगे और जितना आप छेड़ा खानी कम करोगे ना अपने natural features and जो भगवान ने दिया, उतना ज्यादा लंबे टाइम तक ग्लो करोगे. बिकॉज नो मैटर वॉट, इट इज गुड टू ग्रूम योर सेल्फ, बट आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल होता है वो, कहीं ना कहीं केमिकल्स अंदर जाके इफेक्ट करते हैं. हाँ, तो टाइम जब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, आपको अपीयरेंसेस करनी है तो थोड़ा बहुत लोग यूज करते हैं, बट नाउ अभी टाइम ऐसा चल रहा है क्वारंटाइन का, लॉकडाउन का, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यार, बिल्कुल पॉल्यूशन इतना क्लीन हो रहा है, एयर इतना क्लीन है कि यू डोंट नीड एनीथिंग. And ma'am, there's a lot of questions out here for you. If you can just go through it once. Sorry guys, I think kuch na kar de. Just a second, there's a network problem from your end. Yeah. I think kuch connection bhi beech mein disconnect ho raha hai. Haan, abhi shayad theek aayega aapko. Yeah, can you read the comments down? A lot of people are asking me questions here. Please tell us more about tarot reading. So I think you should go for it. Haan, fine. So tarot reading ke baare mein, many people are very interested. I think I am Shrishti is also writing ki how is tarot a science and what is the proof? Okay. So proof check. Actually, hamara human mind hai na, har cheez ka proof mangta hai. तो टैरो साइंस कैसे है, वो टैरो साइंस कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ. हमारा साइंटिफिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी जब चीजें डेवलप करी थी तो उसी टाइम पे साइंटिफिकली ये प्रूवन था, और साइंटिफिकली ये हमने साइंस में भी पढ़ा है कि हमारा सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड होता है. कॉन्शियस माइंड 90% होता है, सबकॉन्शियस माइंड 10% होता है, और सबकॉन्शियस माइंड का यूज हम सिर्फ 0.25% करते हैं. अगर हम सबकॉन्शियस माइंड का यूज बढ़ा देते हैं 4% तक, और सबकॉन्शियस माइंड जो कि 90% है उसमें वो चीजें प्लेस करना शुरू कर देते हैं जो हमें चाहिए लाइफ में, तो वही चीजें मैनिफेस्ट होती है. तो ये तो होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अब इसको अगर हम टैरो से ज्वाइन करें तो टैरो कार्ड्स जो होते हैं ये कुछ डिवाइन कार्ड्स होते हैं, इनके ऊपर कुछ इमेजेस होते हैं, कलर्स होते हैं, और हर इमेज एक एनर्जी से कनेक्ट होता है. तो जो टैरो रीडर है, जब आप अगर आप प्रूफ की बात करती है तो वो जब आप सीखेंगे तभी आपको प्रूफ मिल पाएगा, क्योंकि बातों से तो प्रूफ किसी को भी नहीं मिल पाता है. तो जब जो एक टैरो रीडर है उसके पास वो एबिलिटी होती है वो एनर्जी रीड करने की, जो कि सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में है, और सबकॉन्शियस माइंड में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ है. तो दिस इज अ साइंस, दिस इज नॉट समथिंग काइंड ऑफ मैजिक. मैजिक इट इज इन सेंस की वो पर्सन कैसे उस एनर्जी को रीड कर पा रहा है, तो वो टेक्निक होती है. वो टेक्निक बताने से तो नहीं समझ में आएगी, वो तो जिसको इंटरेस्ट होता है वो सीखेगा तभी उसको समझ में आएगी. सो हेंस इट इज यू नो दिस काइंड, ये प्रूफ हो जाता है कि ये साइंस है. लेकिन अब कोई भी साइंस की भी चीजें आपको सीखनी तो पड़ती है ना. ट्रू. Right. And yes, so I think we should go for this. सबसे पहले मैम किसी से पूछते हैं कुछ सवाल comments में. I think a lot of people are coming up and joining us here. Yeah. मैम जिसे चाहती हूँ उससे मेरी शादी होगी. One moment is there right now in front of you. And Chandni. Okay, there somebody else is also writing कि tarot is a devilish thing. No, it is not devilish. It is a guidance tool. आपको अगर डॉक्टर कोई जख्म हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई देता है ना. तो अगर आपको कोई मेंटल स्ट्रेस हो रहा है तो आप किसी काउंसलर के पास जाएंगे तो वो आपको सही सलाह देगा, वो दवाई दे रहा है आपको. कोई डेविलिश नहीं है, वो डेविलिश लोगों ने प्रमोट कर करके बना दिया है उसे, उसमें कोई डेविलिश जैसी चीज नहीं है. टैरो इज वेरी पॉजिटिव एंड बिलीव मी, जब तक इफ यू एक्सपीरियंस अ राइट टैरो रीडर यू विल फाइंड आउट इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग. अगर आपका एक्सपीरियंस गलत रहा है तो देन वी कांट say anything. Comment on this.
ma'am, Isha Vicky Dhar is asking you. Yeah. Any guidance for her? Okay, Isha is asking any guidance for her. चलो ईशा के लिए कार्ड निकाल लेते हैं. यहाँ पे लोगों को पता भी चल जाएगा टैरो कैसे काम करता है. Done. So Isha, I am telling you कि क्या guidance है और आप प्लीज कमेंट में बता देना वो सही है गलत है, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगे. True. So Isha, आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख रही है, कुछ आपके लाइफ में अभी छोटा सा, कोई बहुत बड़ा नहीं है, कोई चीज ऐसी क्रॉप अप हुई है जो आपको लग रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है. लेकिन अगर आप थोड़ा सा ठीक से सोचेंगी और थोड़ा सा काम होके सोचेंगी, एकदम से परेशान नहीं होंगी, उसका सॉल्यूशन बहुत ही पास में है, नियर है. और ये आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस के थ्रू भी मिल सकता है, या आप थोड़ा सा अगर अपना, जिसको कहते हैं ना, थोड़ा सा सिक्स सेंस या क्रिएटिविटी या दिमाग थोड़ा यूज करेंगे शांत होकर. क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई सिचुएशन क्रॉप अप हो जाती है तो हम एकदम एंग्जाइटी में आ जाते हैं, और उस समय हमें कोई सॉल्यूशन नहीं सूझेगा और वो सूझेगा भी नहीं. थोड़ी देर शांत हो जाइए, सांसों पे ध्यान लगाइए, काम हो जाइए, ठंडा पानी पीजिए, सॉल्यूशन मिल जाएगा और बहुत ही आसान और बहुत ही पास में है सॉल्यूशन. सो इज दिस द थिंग व्हिच इज हैपनिंग इन योर लाइफ, प्लीज यू नो शेयर विद द अदर पीपल आल्सो. सो देयर इज, कैन टैरो हेल्प पीपल डेवलप अ पॉजिटिविटी इन लाइफ? यस, इट कैन हेल्प, प्रोवाइडेड द टैरो रीडर इज राइट एंड ही इज गाइडिंग यू राइट एंड नॉट he or she is guiding you right and not manipulating you. Tarot definitely बहुत अच्छे से help करता है, क्योंकि tarot आपके karmas के accordingly आपको बताता है कि क्या चीज आप सही या गलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से life में गलत या सही हो रहा है, और उसको कैसे modify करें ताकि आप उसको change कर सके. So Isha, thank you Isha. So Isha is saying yes. And also we got a comment from DCEC, Celebrity Management, which says, I'm a student of her too. It's really helpful and Usha knows our success. Absolutely. Okay. Amit ji, namaskar. Aapko sabse pehle. Hi Amit, how are you? Okay. Okay, so Kinju is asking here about the pregnancy problem. So I think we should go ahead for Kinju once. We can have a chat with Kinju here. Yes. And more questions are coming up. So Shishti is again asking a guidance for her. Okay. And then Sadeep is saying, one of my friend is suffering due to some reasons. Please help her. Definitely we will help her for that. Either he can, you know, follow me on Insta and DM me. He can contact me and I will tell you the further procedure. Or if you can name him, and because yahan pe to shayad aap uska problem itna lamba elaborate kar nahi payenge, तो आप फॉलो करके डीएम कर सकते हैं. एंड या यू ऑल कैन फॉलो मैम मोनिका अग्रवाल जी को फॉलो कर सकते हो, एंड आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक हियर डाउन इन द कमेंट. सो इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स यू वुड लाइक टू डिस्कस विद हर, यू कैन गो डायरेक्टली ऑन हर इंस्टाग्राम पेज एंड यू कैन हैव अ वर्ड विद हर. सो आप बताओ उषा, आपका क्वारंटाइन कैसे चल रहा है? मेरा क्वारंटीन मैम वैसे तो बहुत ही, मतलब क्या बोलूं, मतलब इट वाज नॉट गुड एंड इट वाज नॉट दैट बैड, बिकॉज वी रियली मिस आवर शोज अ लॉट. लाइक आई एम सच अ पर्सन हु ऑलवेज लव्स टू ट्रैवल अ लॉट एंड वी आर ऑलवेज ऑन द शोज एंड यू नो वी रियली मिस आवर माइक एंड स्टेज शोज अ लॉट एंड ऑल ऑफ अ सडन यू नो इट्स लाइक ऐसा लगा कि किसी ने झटका दे दिया, किसी ने ऐसे श्राप दे दिया, ऐसा लगा कि हम लोग सारे लॉकडाउन हो गए हैं घर पे. And I was like, abhi I'm so curious to get on the stages and do shows and just travel. I'm waiting for it. Actually. I think people should take it positively. I understand that those jinka earning pe effect pad raha hai ya jinka traveling pe effect pad raha hai, wo log kafi zyada ab anxiety mein aane shuru ho gaye hain. Depression, anxiety ek bahut aisi cheez hai jo bahut jaldi cover up kar rahi hai. But is time pe agar aap log thoda sa positive rehte hain, थोड़ा इसको ये समझिए ना कि जब हम लोग नॉर्मल वर्क रूटीन में होते हैं, हमें कितना टाइम मिलता है अपने लिए, कितनी चीजें हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे लेकिन हम नहीं कर पाते. लाइक छोटी छोटी चीजें, यू नो, क्लीनिंग अप योर अलमीरा,
है ना, क्लीनिंग अप योर स्पेस. आपने सोचा होगा कि भाई मैं अब अपने कमरे में पूरा क्लीन करूंगी, डीपली क्लीन करूंगी, जगह बनाऊंगी, इस चीज को ये करूंगी. ये सब वो करने का टाइम है, बिकॉज जैसे ही कोरोना जाएगा और लॉकडाउन ओपन होगा, जो कि हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हो, जल्दी लेकिन वो उसके बाद फिर आप मिस करोगे कि अरे यार परेशानी में वो 2 महीने निकाल दिया, हम उसको परेशानी की जगह उसमें हम कितने सारे काम निपटा सकते थे. क्योंकि ये समझ लो कि यूनिवर्स ये टाइम दे रहा है आपको वो सारे काम करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, अपने उन दोस्तों के साथ बात करने के लिए जिनसे आपको इयर्स हो गए होंगे, महीने हो गए होंगे, जिनसे आपने बात नहीं करी होगी, उनको वीडियो कॉल करिए, उनसे बात करिए, आप लाइव सेशंस करिए अगर काम भी करना है. और जिनके काम पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कुछ लोग हैं हॉस्पिटैलिटी वाले हैं, कुछ लोग हैं जिनका डायरेक्टली फर्क पड़ रहा है और उनको लग रहा है कि उनका काम तो हो ही नहीं सकता है अभी ऑनलाइन भी, तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए ना, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो आई एम श्योर हर चीज का काम कुछ ना कुछ हो सकता है, एक्सेप्ट पार्लर्स एंड सैलून्स. जैसे ही ओपन होंगे तो इमीडिएटली जाना भी नहीं, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा बिकॉज यू नो लॉकडाउन सरकार ओपन कर रही है, कोरोना नहीं ओपन कर रहा है. अगर लॉकडाउन ओपन होने का हम लोग वेट कर रहे हैं तो वो कोरोना भी वेट कर रहा है कि लॉकडाउन कब ओपन होगा. मैम आपके लिए काफी सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे हमें. जी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं मैम लाइव सेशन में. So Neha is ma'am, glad to see you back. Want to know my brother fights with me. भाई भाई बहन में तो लड़ाई चलती रहती है, तो वो आपसे रूडली बात करता है, आपको हर्ट करता है, तो बैठ के बात करो, थोड़ा प्यार से बात करो. भाई बहन का तो रिश्ता ही ऐसा होता है कि एक मिनट में प्यार और एक मिनट में लड़ाई, तो रिश्तों को थोड़ा बेटर करने के लिए दोनों तरफ से होता है. आराम से बात करो, उसका पॉइंट भी समझो कि वो क्यों रूडली बात कर रहा है, अपना पॉइंट भी रखो, और बीच में जरूरत पड़े तो पेरेंट्स को ले आओ, उनसे बात कर लो थोड़ा सा, उसको सॉर्ट आउट करो. मैम देयर इज वन मोर क्वेश्चन हियर फॉर यू दैट सेज फ्रॉम साकिब हियर, नॉट वर्किंग गुड विद अ फ्रेंड, कैन यू टेक अप अ कार्ड फॉर मी एंड कैन यू गाइड मी फॉर दैट लाइक. यस श्योर, बट you need to tell the name of a friend because uski energy se connect karke na card niklega. can you tell the name of that friend Saki, if you can. So what does the tarot say about COVID? Okay, ha right, this is a very good question. So Mohammed, I think jo tarot maine nikala tha apne YouTube channel pe bhi nikala tha aur main abhi ki situation ke hisab se 2-3 cards nikal leti hu. टैरो कोविड के बारे में ये बता रहा है कि ये जाएगा तो है जरूर, लेकिन इतनी जल्दी नहीं जाएगा. हम लोगों को थोड़ा सा आइसोलेशन और इन चीजों का, सोशल डिस्टेंसिंग का और इन सब चीजों का हमें अपनी लाइफस्टाइल में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही चीजें वापस नॉर्मल आती हैं और हम सोचते हैं कि हम ग्रीन जोन में आ गए या ये चीज नहीं है और हम वापस उन रूटीन्स पे आ जाएंगे, ये वापस हिटबैक करने के चांसेस हैं. तो टैरो ये कह रहा है कि ये साल जो है ना आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है. 2020 का ईयर है, राहु का साल है. मैंने हर जगह बताया है राहु आइसोलेशन में डालता है, राहु बहुत सारी अच्छी चीजें भी करता है तो बहुत सारी खुराफतें भी करता है, और वो शैडो प्लेनेट है तो कुछ पता नहीं होता है. तो राहु का सिंपल सा मतलब है, 4 नंबर का साल है, सिंपल सा मतलब है आइसोलेशन को एक्सेप्ट कर लो, उसको अपना लो, उसके हिसाब से जिंदगी को मॉडिफाई कर लो, नहीं तो वो तरीका ढूंढेगा आपको आइसोलेट करने का. 2021 में रिवाइवल होना शुरू हो जाएगा, अभी केसेस बढ़ रहे हैं, अभी और बढ़ेंगे, लेकिन जो लोग सेफ रहना चाहते हैं, जो लोग प्रिकॉशन लेंगे तभी निकलें जो घर से जरूरी हो, अगर वर्क पे भी जाना पड़ रहा है तो मैक्सिमम प्रिकॉशंस लेंगे वो बच सकते हैं. ऐसा नहीं है कि भाई आपने केसेस बढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि आपने डर कर दुबक कर बैठ जाना, लेकिन जितना जरूरी होता है वो, ये नहीं कि आप किटी पार्टी हो रही है तो किटी पार्टी भी आप नीचे खड़े होके कर रहे हैं. आई एम सीइंग पीपल डूइंग दैट, मास्क लगाया है नहीं लगाया है, बट किटी पार्टी की जरूरत है तो किटी पार्टी खड़े होके कर रहे हैं. या आप ये सोच रहे हैं कि नहीं इनको तो मैं जानता हूँ, इनको तो कोविड नहीं है, मैं इनसे हाथ में ला लू, मैं इनके घर जाके बैठ के चाय पी लू, ये सब तो कहीं ना कहीं हमें कुछ टाइम के लिए बंद करना पड़ेगा. और जब तक सब लोग करेंगे, क्योंकि उसको ह्यूमन बॉडी मिलता जा रहा है, जब तक उसको ह्यूमन बॉडी मिलना बंद नहीं होगा वो कलैप्स नहीं होगा. बट जहां तक मैं टैरो की सिचुएशन देख पा रही हूँ, अराउंड सितंबर इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आना शुरू होगा और हमें कुछ अच्छी न्यूज मिलनी शुरू हो जाएंगी. बट सितंबर के आसपास, तब तक आप अपने आप को और अपनी फैमिली को बचाना तो जरूरी है ना, तब तक.
मैम स्नेहा बहुत टाइम से आपके लिए क्वेश्चंस यहाँ पे रेडी करके रखी है. वैसे कि स्नेहा पूछना चाह रही है कि ही इज नॉट अंडर माय पेरेंट्स कंट्रोल, प्लीज सी द कार्ड, हिज नेम इज गौरव. तो इफ यू कैन जस्ट हु इज प्लेइंग, शी इज राइटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स हियर डाउन एज यू कैन सी. आई मिस दैट द कमेंट व्हिच आई एम सीइंग इज लाइक सादिक कह रहे हैं कि मैं नाम तो नहीं ले सकता बट वो यहीं पर है और मुझे लाइव देख रही है, मुझसे बात नहीं कर रही है. अरे भाई बात कर लो यार. मत करो ऐसा, बात कर लो, रखना है आपको तो नहीं रखना है, आपस में सॉल्व करो लेकिन बात कर लो, ऐसे मत परेशान करो उनको. चलो भाई मैंने सिफारिश कर दी, आई होप आपसे बात कर ले. सो किंजू आई लव योर एडवाइस, यू आर वेलकम. सुपर. ओके so ma'am, would you like to give some top 3 positive you know things ki hum log jo day to day life mein kuch aise 3 top best cheeze use kar sake hamari khud ke positivity ke liye. theek hai main usko bahut zyada ghuma phira ke nahi, simple 3 cheeze batati hu jo aap life mein kariye, jo aapki life mein sabse bada problem kya hota hai, love relationships aur paisa finances aur aapas ke rishte, उनके लिए अगर आप चाहते हैं कि सब चीजें आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट हो जाए या अच्छी रहे, सबसे पहले जब आप सुबह उठे धरती को छूने से पहले भगवान का नाम लें. जिस भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं, जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं, भगवान को, खुदा को, जीसस, जिसको भी मानते हैं उसका नाम लें और धरती पे पैर रखने से पहले उसको धन्यवाद करें हर उस चीज के लिए जो आपको एक दिन मिली, खाना पीना, अच्छा बिस्तर, सोने के लिए. प्रॉब्लम्स को बिल्कुल याद ना करें, सिर्फ उस चीजों के लिए धन्यवाद करें जो आपको इस दिन मिला है, उससे पहले दिन मिला है. और जो लोग जो मेरे मतलब हिंदू धर्म को जो लोग मानते हैं, उनके लिए सबसे पहले अपनी हथेली की लकीरों को देखें और उसमें एक मंत्र होता है करागरे वस्ते लक्ष्मी वाला, वो आप पढ़ सकते हैं. नहीं तो आप अपने मन मन इंटेंशन करते हैं कि मेरे हाथ में ही लक्ष्मी का, सरस्वती का, दुर्गा का वास है. और मेरी मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो लकीरों को देख के बोले वाह क्या किस्मत पाई है, वाह, क्योंकि जो आप बोलेंगे वो वाइब्रेट होगा. सबसे दैट इज फॉर आवरसेल्फ टू स्टे पॉजिटिव. यस, अपने दिन की शुरुआत करिए, अपने आप अपनी किस्मत को प्रेस करिए, कोसिए मत उसे. फिर उसके बाद आप जब अपनी दिनचर्या करते हैं, जब भी करते हैं, जब भी आपको टाइम मिले 12 बजे से पहले और रात के 12 बजे से पहले, दिन के 12 से 4 का टाइम आप कोशिश करिए अवॉइड करें. जब भी आपको टाइम मिले 10 मिनट्स मेडिटेशन जरूर करें. और मेडिटेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आप आरती पारती मार के बैठ रहे हैं या आप खाना खाए बिना, आप जहाँ बैठे, मैं भी यहाँ बैठी हूँ, मैं आंख बंद करके सिर्फ सांसों पे, स्वाभाविक सांसों पे 10 मिनट ध्यान लगाऊं, अपने आप को रिलैक्स करना, वो एनर्जी देना जो हम डेली लाइफ में स्पेंड कर रहे हैं वो बहुत जरूरी होता है. और तीसरा पॉजिटिव अफर्मेशंस, व्हेन यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम और व्हेन यू आर इन एंजाइटी और जब कुछ नहीं समझ में आता, जब आपको लगता है सब कुछ लॉस्ट है, इस समय कुछ नहीं समझ में आ रहा, उस समय आप मन मन में अफर्म करना शुरू कर दीजिए एंड ऑल द थिंग्स आर जस्ट ऑल राइट एंड ऑल द थिंग्स आर जस्ट ऑल राइट एंड ऑल द थिंग्स आर जस्ट ऑल राइट. तो ये आपका एक स्विच वर्ड की तरह, स्विच सेंटेंस की तरह आपकी एनर्जी को स्विच करना शुरू कर देता है, आप काम होना शुरू हो जाते हैं और फिर आपको इंस्टेंट सॉल्यूशंस भी मिलने शुरू हो जाते हैं. उसके अलावा अगर कोई रेकी सीखना चाहता है या कोई हीलिंग सीखना चाहता है वो भी वो कर सकता है. अच्छा मैम, देयर इज अ सेइंग कि अगर आप कुछ चीज करना चाहते हो लाइफ में तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, लाइक फॉर अप्रोक्स साइंस बोलता है ये कि 20 डेज 25 डेज तक आपको कंटिन्यूसली वो चीज दिमाग में डेली बोलनी चाहिए एंड यू वांट टू गेट द रिजल्ट यू नो पॉजिटिवली. सो डू यू रियली बिलीव इन इट? 21 डेज में हैबिट फॉर्म हो जाता है. अगर हम कोई भी अफर्मेशन या कोई भी हीलिंग 21 डेज तक कर रहे हैं तो वो एनर्जी हमारे शरीर के साथ, हमारे माइंड के साथ ट्यून होना शुरू हो जाती है. तो मैं कह रही हूँ 21 डेज नहीं, आप उसको 21 डेज का प्रण लीजिए लेकिन उसको लाइफ टाइम कीजिए ताकि वो एनर्जी ट्यून रहे आपके साथ. गॉट इट. इन द कमेंट्स आई कैन सी सृष्टि सेइंग मैम एनी एडवाइस फॉर मी थ्रू टैरेट कार्ड, शी वांटेड टू नो फ्यू थिंग्स फ्रॉम यू. अच्छा ठीक है, चलो सृष्टि के लिए निकाल देते हैं. सृष्टि के लिए निकाल देते हैं कोई एडवाइस उनके लिए अगर है तो.
सो टिल देन गाइस, इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस यू कैन आस्क मैम, शी इज लाइव हियर. सो आपको कोई भी क्वेश्चंस मैम से पूछना है आप लोग कमेंट्स कर सकते हो नीचे. सृष्टि, आपको अपनी एनर्जी को रीट्यून करने की जरूरत है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके थॉट्स ऐसे हैं जो कम्प्लीटली आपके पास वापस लौट के आते हैं. आप उसको नेगेटिव थॉट्स कह सकते हैं या एंजाइटी थॉट्स कह सकते हैं, और वो थॉट्स जो है ना, उन्हीं की एनर्जी इस तरह से वाइब्रेट हो रही है कि आपके लाइफ में कोई चीजें हैं तो वो सॉर्ट आउट प्रॉपरली हो नहीं पा रही, और पैटर्न रिपीट हो रहा है आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप का हो चाहे मनी का हो, वो पैटर्न आप रिपीट कर रही हैं. तो वो पैटर्न को इस बार जब आप डिफरेंट तरीके से टैकल नहीं करेंगी तो वो पैटर्न जाएगा नहीं, क्योंकि ये आपके कार्मिक से आया है, और कार्मिक में जब वो पैटर्न रिपीट होता है उसका मतलब होता है कि वो आपको कुछ लेसन देना चाह रहा है, आपके कर्मास को हील करना चाह रहा है, या आपको बताना चाह रहा है कि वो तरीका कहीं ना कहीं आपको चेंज करना पड़ेगा उस सिचुएशन को डील करने का. ये टैरो आपको एडवाइस दे रहा है. अमेजिंग. और किसी के कमेंट्स, यस, कोई पूछना चाहता है मैम से कोई क्वेश्चंस, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन हियर. मैम अपने कुछ क्लाइंट्स के बारे में बताइए, कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के बारे में, कुछ कैसा रहा जर्नी आपका, प्लीज डू शेयर विद अस, वी वांटेड टू नो अबाउट दिस. मेरा जो क्लाइंटेज है वो मेरा क्लाइंटेज हर तरह का है, एक आम इंसान से लेके एक सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन सब है. कुछ हमारा क्या होता है कि जब हम एक वीआईपी लोगों से कई बार डील करते हैं तो दे डू नॉट वांट अस टू डिस्क्लोज द नेम, बिकॉज उनके अपने कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं और मीडिया हाइप कई बार बन जाता है. बट देन देयर आर द पीपल हु आर ऑन माय वेबसाइट आल्सो, जैसे मिसेस संध्या बोयगा, शी इज अ पार्लियामेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, and she's a very big politician. अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे मॉरिशियस से, तो शी हैज कम ऑल द वे फ्रॉम मॉरिशियस टू लर्न द कोर्सेस, टैरो वगैरह का कोर्स करा था. फिर डॉक्टर रेफमेन है, वो पिपकॉइन के फाउंडर है, एंड ही इज जस्ट 23 इयर्स ओल्ड व्हेन ही अप्रोच मी, 24-25 का होगा, यंगेस्ट साउथ अफ्रीका के बिलेनियर. तो ही केम ऑल द वे फ्रॉम साउथ अफ्रीका फॉर द कॉफी कप रीडिंग, एंड नाउ ही इज अ क्लाइंट फॉर ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स विद मी. तो इस तरह के कुछ क्लाइंटेज है मेरे पास. मेरे को गुडकर्मा का अवार्ड भी मिला था स्पीकिंग ट्री से फॉर क्लेवर्स साइकिक रीडिंग का. और इंटरनेशनल क्लाइंटेज मेरा हांगकांग, यूके, यूएस, दुबई, कुवैत, and then there are many countries, काफी countries miss out हो जाती है, Malaysia, Singapore, and recently अभी 2-3 countries और add हुई है, वो मेरे mind से slip हो रही है. काफी countries में clientage है, because मैं HR में भी काम करती थी, तो मेरा directly international clientage पहले base बनना शुरू हुआ था. That's why I have been tagged as an international tarot reader also. And then there are the like many clients who take online video readings, WhatsApp. अब तो इंडिया में भी हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं सारा. ऑनलाइन हो रहे हैं आजकल तो, वैसे ऑनलाइन ही हो रहे हैं डिजिटली या अंडर कनेक्टिंग. There is nothing wrong. अगर आप ऑनलाइन को सही तरीके से शेड्यूल करते हो वो इक्वली इफेक्टिव होता है. इनफैक्ट वो ज्यादा प्रेफरेबल है. मैं तो कहती हूँ कि अगर बिल्कुल 1 किलोमीटर दूर के भी रहते हो तो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो. अभी भी तो हम लोग कितने अच्छे से बात कर रहे हैं ना. तो ऑनलाइन करने में, ऑनलाइन में बिल्कुल क्वालिटी हैम्पर नहीं होती, तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे आपको सिखा रहा है, बल्कि कंफर्ट ज्यादा होता है ऑनलाइन में. ठीक है, तो ऑनलाइन क्लाइंट्स बहुत सारे हैं. ऑनलाइन क्लासेस मेरी अभी भी चल रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे हैं, टैरो के कोर्सेज चल रहे हैं व्हाट्सएप पे, सिचुएट्स के चल रहे हैं, न्यूमरोलॉजी के चल रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज व्हाट्सएप वगैरह पे चल रहे हैं. और बहुत आसान होता है क्योंकि आप अपने तरीके से अपने टाइम से सीख लेते हो, अपने टाइम से उसका जवाब देते हो. वीडियो क्लासेस भी चल रही है 1-to-1. सो दिस इज यू नो हाउ आई रन दी एक्टिविटीज. देन प्रोग्राम्स भी आए थे मेरे हरियाणा न्यूज पे, भक्ति वंदना पे, दूरदर्शन वालों ने आज सवेरे पे मुझे एज अ स्पेशल गेस्ट, एज अ स्पिरिचुअल गुरु बुलाया था नवरात्रि टॉपिक पे बात करने के लिए और इंटरव्यू करने के लिए. तो इस मेरा अपना यूट्यूब चैनल है मोनिका अग्रवाल टैरो कार्ड रीडर के नाम से, तो वो यूट्यूब चैनल पे भी मैं काफी उसमें वीडियोस डालती रहती हूँ. तो दिस इज ऑल कॉफी कप रीडिंग, रियोम्स रीडिंग, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो वेबसाइट पे जाकर भी काफी लोग देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो मैम इफ समबडी वांट्स टू लर्न दिस कोर्सेज फ्रॉम यू, सो व्हाट इज द प्रोसीजर, कैन यू जस्ट मेंशन ओवर हियर, सो इफ एनीबडी वांटेड टू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, सो दे कैन डायरेक्टली कांटेक्ट. अभी जो लोग इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, दे कैन कम टू माई इंस्टाग्राम, वो सारा आईडी वगैरह सब वहाँ पे आई रहा होगा. दे कैन फॉलो मी, दे कैन आइदर कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सअप और डीएम मी ऑन द इंस्टाग्राम टू फाइंड आउट अबाउट द कोर्सेज ड्यूरेशन एंड द प्रोसीजर्स, एंड दे कैन गेट रजिस्टर्ड. सिंपल प्रोसीजर है,
simple procedure. Thank you for that. And of course, I'm going to mention the website link of yours, and I'm going to comment here as well in a while. Till then, ma'am, I want to ask you one question here. A lot of people ask me कि यार पता है मैंने बहुत hard work किया है, लेकिन hard work करने के बावजूद मेरा luck काम नहीं आता है. मतलब बोलते ना कि it's all about luck. So any tips you would like to give us कि कैसे strong किया जाए luck को? Luck plays a very important role. So if you can just guide us on that. देखो ऐसा होता है कि कई लोगों का जैसे अगर होता है, I'm sorry, I think यहाँ पे कुछ camera हिल रहा है. तो लक जो इन जो लोग कहते हैं ना कि हमारा लक काम नहीं कर रहा, उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं. कई बार प्लैनेट्स का रोल होता है कि आपके ग्रहों में कोई दशा ऐसी है जिसकी वजह से कुछ चीजें ब्लॉक हो रही हैं. कई बार एक्सटर्नल एनर्जीज का होता है. समटाइम आई हैव सीन मेनी केसेस जहाँ पे आप बहुत लकी हैं, लेकिन आपके कोई बहुत क्लोज है जो जिनका एनर्जी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो वो लक वहां ट्रांसफर हो रहा है. If you are becoming, you know, agony aunt or agony uncle and listening all the problems of the others for 1 hour and not clearing of your energy, then wo energy is transferred hoti hai. Dusra, if you continuously telling yourself that mera luck achha nahi hai, mera luck kaam nahi kar raha, mere saath sab kuch bura ho raha hai, to wo 10x fold hoke aapke paas aayega. Instead of that, if you start saying ki, you know, I am blessed, I am lucky. अगर कुछ बुरा हुआ भी है तो मैं टाइम पे बच गया या बच गई. इससे ज्यादा बुरा हो सकता था लेकिन मैं बच गई. अगर आप वो वाइब्रेशंस जनरेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका लक मॉडिफाई होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करेगा. ओके मैम, एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि मोनिका जी, वन टैरेट रीडर टोल्ड मी टू स्टे अवे फ्रॉम बैक कलर. सो डज कलर रियली अफेक्ट आवर पर्सनालिटी? इवन मैम, आई वांट टू आस्क यू दिस बिकॉज़ one tarot reader has stated me as well ki black color se thoda sa dur raho, but I really love black, so I couldn't stay away from it. So see, if you can just guide us on it. Black color agar Saturn ka hai, jiski wajah se log darate hain ki aapko zyada use nahi karna chahiye, to black color protection ka bhi hai. Agar aapko kahin bahut zyada lag raha hai na ki kahin energy aapki drag ho sakti hai ya kahin negative energy ka effect hai, wahan aap black ko red ke combination ya green ke combination mein पहन के जाएंगे विद एन इंटेंशन कि दिस ब्लैक इज क्रिएटिंग एन ऑरा कि मुझे प्रोटेक्ट कर लिया. ब्लैक पहनाए जाते हैं तो ब्लैक ऐसा नहीं है, कोई भी कलर खराब नहीं होता है. हर कलर की प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको कितना वो कलर यूज करना है. अगर आप ब्लैक को सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक पहन रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि वो अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो वो वाइब्रेट करेगा. लेकिन ब्लैक को स्लाइटली कॉम्बिनेशन में, जैसे ब्लैक अपने ड्रेस पहने अगर उसमें कुछ हल्का से सितारे हैं, सिल्वर कॉम्बिनेशन है या रेड कॉम्बिनेशन है, या अगर आप सिंगल ब्लैक ड्रेस पहन रहे हैं तो कभी ब्लैक पहन रहे हैं कभी कॉम्बिनेशन में पहन रहे हैं, तो देयर इज नो हार्म. कोई कलर ब्लैक कलर माँ काली का होता है, लाल कलर माँ दुर्गा का होता है, ग्रीन कलर बुध का होता है, तो इसलिए कोई भी कलर बुरा नहीं होता. लेकिन उसका एक प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है किसी भी कलर का, क्योंकि कलर्स हमारे चक्र से जुड़े हुए होते हैं और हमारे चक्र में एनर्जी बैलेंस में होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम. मैम किंजू इज आस्किंग, मेरे लिए टैरिफ का कोई मैसेज है मैम? किंजू ओवर देयर इन द कमेंट्स. अच्छा, ये टैरो कार्ड्स के लिए बोल रही है. प्लीज उषा मैम आंसर दी. एक निकाल दो मैम, शी इज टेक्स्टिंग अ लॉट, शी इज टेक्स्टिंग कंटीन्यूअसली हियर. मेरे लिए डायरेक्ट कास्ट निकालिए ना मैम प्लीज, कोई शी सेइंग. अच्छा तो टैरो मैं निकालती हूँ क्योंकि अच्छा उषा मैम के थ्रू सिफारिश लगाया जा रहा है. उषा मेरे बारे में पूछो ना, इस साल कैसा हूँ. टैरो निकाल रहे हैं आप, कोई पर्टिकुलर मैसेज चाहते हो क्या या नॉर्मल एक जनरल मैसेज निकालूं मैं आपके लिए? मैम वी कांट हियर यू, थोड़ा सा वॉल्यूम प्लीज थोड़ा सा तेज करिए ना. वॉल्यूम? जी मैम प्लीज चेक योर वॉल्यूम हियर. अभी ठीक है? या काइंड ऑफ यस. मेरे ना इसमें आज ट्राइपॉड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं तो मैं नीचे इसमें एयरफोन लगाने वाली थी. आई एम सो सॉरी, आज कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये नहीं तो एयरफोन लग जाता इसमें. आई थिंक अभी ठीक है. ठीक है वॉल्यूम? या मैम दिस इज फाइन. ठीक है,
तो किंजू आपके लिए मैंने कार्ड निकाले हैं. देखिए आई थिंक आपको लाइफ में कुछ एडवाइस का जरूरत है. आप लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो कहीं ना कहीं कोई गलती पास्ट में हुई है या आप कर रही हैं. मेरा आपको सलाह है कि आप किसी घर में कोई बड़ा हो जिसपे आप ट्रस्ट कर सके उससे सलाह लेके काम करें. और इस समय इस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ भी हो जाए किसी को उधार देने से बिल्कुल बचें, क्योंकि अगर आपने उधार किसी को दिया बातों में आके तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा. ओके थैंक यू फॉर दैट मैम. लेट्स गो फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर फ्रॉम रणवीर. ही इज वन ऑफ माय फ्रेंड्स टू. ही वांटेड टू आस्क यू वन थिंग कि उनका मतलब कैप्रिकॉर्न इज हिज ज़ोडियक साइन एंड ही वांट टू आस्क लाइक इन एनी थिंग व्हिच यू वुड लाइक टू से इन लाइफ. चला गया एकदम से ना रणवीर इज योर लाइव. या सो सादेव आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर बहुत बड़ा होता है. फ्यूचर में 50 चीजें होती है, बी स्पेसिफिक तो मैं आपके लिए कार्ड निकाल दूंगी. मैम आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि क्या कोई कोर्स का कुछ टाइमिंग होता है, पीरियड कुछ होता है क्या, कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग? नहीं, कोर्स शुरू करने का कोई टाइमिंग नहीं होता. कोर्सेज अलग अलग टाइमिंग्स के होते हैं. 3 डेज से शुरू होके 20 डेज 30 डेज तक के कोर्सेज होते हैं. आप व्हाट्सएप पे कर रहे हैं या आप ऑनलाइन कर रहे हैं, वीडियो पे कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है. उसके लिए बेटर ये रहेगा कि मैंने वहाँ ऊपर वेबसाइट एक जगह टाइप करा है, स्क्रॉल करके देख लीजिए. नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आएंगे तो वहाँ पे भी दे रखा है, वहाँ पे सारे कोर्सेज मेंशन है. और आप मुझे डीएम या व्हाट्सएप करके जो कोर्स आपको इंटरेस्ट करे उसके बारे में आप मुझसे डिटेल में बात कर सकते हैं. मैं आपको पूरा वहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन दूंगी. ओके सो देयर इज वन मोर कमेंट हियर फ्रॉम मोहम्मद उमर. ही इज सेइंग मोनिका जी एनी एडवाइस फॉर मी ऑन माय करियर, सो इफ यू वुड लाइक टू गो अहेड. ये मोहम्मद उमर है. उमर या सॉरी आप किस कैरियर में हैं, क्या काम करते हैं आप उमर? देखिए आपका मुझे कार्ड ये दिखा रहा है ना कि आप थोड़े हैप्पी गो लकी टाइप के इंसान हैं. और आपका जो काम है उसमें क्या आपको क्रिएटिविटी करनी है और क्या नई चीज लानी है आपको बहुत अच्छे से पता है. बट प्रॉब्लम आपके साथ क्या है कि आप चीजों को कैजुअल बहुत लेते हैं. तो कहते हैं ना एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. बैठ के शेख चिल्ली की खिचड़ी ना बनाइए. जो दिमाग में क्रिएटिव आइडिया आ रही है उसको डाल दीजिए, उसको बस लग जाइए, उसमें वो सक्सेसफुल होगा ही होगा. मेरी आपको सिर्फ एडवाइस ये है एक्शन लेना सीखिए. बहुत ज्यादा देर तक भी नहीं सोचना चाहिए. स्ट्रैटेजी बनाना बहुत अच्छी बात होती है लेकिन वो स्ट्रैटेजी लंबी हो जाती है तो वो आइडिया कोई और लेके चुपचाप निकल जाता है. मैम साकिब क्वेश्चन बोल रहे हैं फॉर माय फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स एंड बिजनेस रिलेटेड. साकिब शेख ओके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस रिलेटेड. तो बिजनेस बता नहीं रहे हो यार, लिख दो थोड़ा सा बिजनेस कौन सा करते हो तो आसानी होगी, कार्ड की एनर्जीज भी क्लियर हो जाएगी. हैवी इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो डूब जाएगा. आपको स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स कर और जहाँ जेन्युइन है वहीं करना है सोच समझ के. बिल्कुल बहुत अर्ली अर्निंग और बहुत जल्दी अर्निंग के पीछे नहीं भाग रहे क्योंकि कई बार क्या होता है ना बहुत हाइपरनेस में जो हम डिसीजंस लेते हैं वो हमेशा डिजास्टर साबित होते हैं. यू आर वेलकम उमर. मैम लेट्स टॉक अबाउट न्यूमरोलॉजी हियर. थोड़ा सा बात करते हैं टैरिट कार्ड्स के बारे में, बहुत बात किया अभी, कुछ नंबर्स के बारे में बात करते हैं. सो प्लीज तो न्यूमरोलॉजी इज अ नंबर्स. जैसे हमारा जो डेट ऑफ बर्थ होता है सबको पता है कि डेट ऑफ बर्थ हम नहीं चेंज कर सकते हैं. तो अगर डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉपर्टीज मिली है हमको डेस्टिनी नंबर में या लाइफ पाथ में कोई हमारे कार्मिक डेप्थ या लाइफ पाथ में कुछ मिली है वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं. लेकिन नाम अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ की वाइब्रेशन के अकॉर्डिंगली नहीं है तो कई बार जो चीजें हमें मिलनी होती है, जो सक्सेस मिलनी हो जाती है वो ब्लॉक हो जाती है क्योंकि वाइब्रेशंस मैच नहीं करती हैं. और कई बार हम करियर भी गलत चूज कर लेते हैं. तो नेम हैज टू बी इन अ सिंक्रोनाइजेशन विद डेट ऑफ बर्थ. तो अगर आपका नाम डेट ऑफ बर्थ के सिंक्रोनाइजेशन में है तो वो आपके लाइफ में वही चीजें अट्रैक्ट करेगा जिसके लिए आप बने. आपको सक्सेस भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा. लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप 30 साल की उम्र में जाके अपना नाम चेंज करा रहे हैं तो ये नहीं है कि वो ये नहीं है कि वो 30 इयर्स तक जो चीजें हुई हैं वो सारी वैनिश हो जाएंगी.
वो उन वाइब्रेशंस को करेक्ट करना शुरू कर देगा, वो रास्ते बनाना शुरू कर देगा ताकि आपकी लाइफ में बेटरमेंट आना शुरू हो जाए. सो नंबर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ. तो न्यूमरोलॉजी इज समथिंग की अगर आप उसको बायो एनर्जी के साथ यूज कर रहे हैं, आप उसको प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ यूज कर रहे हैं, तो वो 100% एक्यूरेट होती है. न्यू एज न्यूमरोलॉजी पे मैं बहुत ज्यादा वर्क नहीं करती हूँ क्योंकि वो बहुत फास्ट न्यूमरोलॉजी होती है. कई बार क्या होता है, हम इंटेंसिटी एंड अल्फाबेट्स उसमें मिस आउट कर देते हैं जो कि रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं. इसीलिए आई बिलीव इन अ डीप न्यूमरोलॉजी वेयर इफ यू आर टेकिंग एनी कंसल्टेशन, तो आई टेक 3 to 4 days ऑफ टाइम टू डू अ कम्प्लीट डीप कैलकुलेशंस की आपका पहला लाइफस्टाइल कैसा गया है, कैसा होना चाहिए था लेकिन गया कैसा है, कहाँ अड़चन आई है, क्या वाइब्रेशंस निकलती है, आगे का कैसा जाना, उसके अकॉर्डिंगली आई डू अ सजेशन. दिस इज हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स. सो मैम, हाउ शुड वी गेट एन आइडिया कि ये मेरे लिए लकी नंबर रहेगा? इज इट लाइक सम हिंट्स आप दे सकते हो कुछ? वो हम डेट ऑफ बर्थ एंड सारे वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंगली निकालते हैं. ओके, वो पूरा उसके हिसाब से होता है. क्योंकि जैसे मान लो आप 3 नंबर बॉर्न हो तो आप 8 नंबर को अपने लिए लकी नहीं कह सकते हो अंटिल के एस्ट्रो चार्ट में आपका शनि बहुत अच्छा है, जो कि बहुत रेयर केस होता है. नॉर्मली 3 के साथ 8 नहीं जाता है, 3 जुपिटर का है, 8 शनि का है. तो 8 नंबर को अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हो तो वो स्ट्रगल कहीं ना कहीं लाता है. लेकिन अगर आप चाइनीज न्यूमरोलॉजी में जाओगे, हम यहाँ पे चाइना की बात कर रहे हैं, या अगर हम इवन वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी जाते हैं, इंडियन न्यूमरोलॉजी में भी जाते हैं, तो 8 नंबर जिनको सूट करता है उनके लिए वो फाइनेंशियली बहुत अच्छी चीजें लेकर आता है. तो ऐसा नहीं है कि 8 नंबर, 4 नंबर की बात करें, राहु का नंबर होता है वैदिक इंडियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली. तो वैदिक नंबर में 4 का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा आपको स्ट्रगल ही देगा, वो स्टेबिलिटी भी देता है, आपको फॉरेन फेवर्स भी देता है. वो आपके सिंक्रोनाइजेशन में होना बहुत जरूरी है. मैंने काफी न्यूमरोलॉजी के नंबर्स के ऊपर और उनकी की 1 नंबर वाले कैसे होते हैं और उसके अलावा भी बहुत इंफॉर्मेशन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाली हुई है. पीपल कैन गो देयर एंड रन द प्लेलिस्ट एंड फाइंड अबाउट इट. क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे आपके लिए. हाँ जी, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. आई डाउट इट हम सारे क्वेश्चंस तो नहीं ले पाएंगे इस सेशन में. हाँ, लेकिन वी कैन गो अहेड फॉर द नेक्स्ट सेशन. यस 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 ऑफ कोर्स. सो एनी क्वेश्चंस, वी जस्ट आर लेफ्ट 5 more minutes हियर. सो क्विकली, इफ एनी क्वेश्चंस यू कैन गो अहेड एंड आस्क मोनिका जी हियर. व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ अ टैरट रीडर on angels and devils? And devils, are they actual? Achha, okay. This is very interesting question. I'm liking this question because, you know, this will clear out the doubts. So, tarot reader ki ideology ki baat kar rahe hain. So, tarot readers sab bahut saare hain. Sab ki ideology different hoti hai. Main apni ideology aur jo ek scientific facts hai ya jo fact hai uske baare mein bata deti hu. Angels bhi hote hain, devils bhi hoti hain. Ab angels ka matlab nahi hai. एंजल्स का मतलब ये नहीं है कि कोई परियां आपके सामने उतर आएंगे जैसे कि आप फिल्मों में देखते हैं या कुछ देखते हैं. और डेविल्स का मतलब ये नहीं है कि कोई राक्षस आपके सामने उतर आएगा. दीज आर दी एनर्जीज. पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है, जो एंजल भी हमारे अंदर है, डेविल भी हमारे अंदर है. हम किसको हावी होने देते हैं, किसको वो करने देते हैं, तो वो डिपेंड करता है. तो अब आप कह रहे हो डेविल बन के कोई इंसान मेरी लाइफ में आया, मतलब उसके उसके थॉट्स और उसने अपने ऊपर नेगेटिव एनर्जीज को बहुत ज्यादा हावी होने दिया. नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव सोचना, बिचिंग करना, गॉसिपिंग करना, अल्कोहल लेना, सिगरेट लेना, या बहुत सारा सारी तामसिक चीजों का सेवन करना, तामसिक प्रैक्टिसेस करना, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, डेविल बन जाएगा, डेविल का रूप ले लेगा. और उसके अगेंस्ट अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, आप सबके लिए सिंपैथेटिक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने ऑरा को क्लीन करते हैं, वाइब्रेशन सबके लिए अच्छी रखते हैं, तो आपका वो आप एक एंजल की तरह रहोगे. जब हम एंजल्स की बात करते हैं तो एंजल्स कैन बी एनीवन. देयर आर दी आर्कएंजल्स एंड एंजल्स व्हिच हैज अ नेम, यू कैन कॉल देम एंड उनके कोर्सेज भी होते हैं. देयर आर दी एंजल्स हु कम्स इन द फॉर्म ऑफ अवर एंसेस्टर्स. देयर आर दी एंजल्स हु कम इन द फॉर्म ऑफ अवर लव्ड वन. लिविंग एंजल्स भी होते हैं, नॉन लिविंग एंजल्स भी होते हैं, मतलब नॉन लिविंग इन द सेंस की एनर्जी के फॉर्म में. सेम हैपन विद द डेविल्स आल्सो. ओके, सो यस, आई थिंक वी आर डन विद द Q&A यहां पे. एंड इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस यू कैन डायरेक्टली गो ऑन हर इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज.
एंड यू कैन आस्क हर. यहाँ पे मैम ने वैसे मेंशन भी किया है अपना लिंक, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट एंड गो अहेड. सो लाइकवाइज यस मैम, डिवाइन सेंटर कुछ कहना चाहोगे हमारी ऑडियंस से? तो ये लोग कर सकते हैं मुझे. और दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले सेशंस मिस ना हो तो दोनों के प्रोफाइल को फॉलो कर लो. Yes. Hello. So I'm going to comment as well. It's Vijay_Sharma_official. And ma'am, it was lovely having you here. Thank you so much. And it was lovely interacting with you. You're a wonderful Same here, person. Ma'am. Yeah. Looking forward for some more amazing sessions, ma'am. Yeah, sure. We'll do it. Take care. Lots of love, ma'am. Take care. Okay, bye. Stay safe. Bye, ma'am. Stay at home. Be positive. Apni family ko khush rakhiye, khud rakhiye, aur bas safe rahiye sab ke sab. Stay healthy, everyone, and stay safe. This is Usha Sharma signing off. Thank you. Yeah, okay. Thank you. Bye, ma'am. Bye.